नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत से व्यूअर्स के सवाल आ रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर के, पीओए को लेकर के, और वो ये जानना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी सपोज़ किसी बेटे के नाम पर है और वो अपने फादर को पावर ऑफ अटॉर्नी कर देता है सेल डीड के लिए, या फिर किसी बूढ़े माँ बाप के नाम पे है और वो अपने बेटे को पावर ऑफ अटॉर्नी कर देते हैं सेल डीड करने के लिए, तो क्या ऐसी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, क्या इस तरह की प्रॉपर्टी को खरीदना सेफ रहेगा। तो बहुत से इस तरह के सवाल आते हैं और आज मैं इन्हीं सवालों का जवाब देने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो खुद नहीं आ पा रहा है आपके नाम पे सेल डीड करने के लिए, परचेजर के नाम पे सेल डीड करने के लिए, या फिर फॉर दैट मैटर सपोज कोई बिल्डर है जिसने बिल्डिंग बनाई है और वो पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेता है प्रॉपर्टी के ओनर से और वो आगे सेल डीड कर रहा है आपके नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर की हैसियत से, तो क्या आपको ऐसी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? कहीं वो पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करा दी गई हो या वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, तो ये सारे जो एक डर हैं, जो वहम हैं, इसका कैसे निवारण किया जाए, क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी ब्लड रिलेशन में दी गई है, अपने सगे संबंधी को दी गई है आगे टाइटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए, और ऐसे में सपोज कीजिए कि बेटा अपने माँ बाप की तरफ से आपके नाम पे सेल डीड कर रहा है उनका एजेंट होने की हैसियत से, उनका पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होने की हैसियत से, या फिर वाइस वर्सा माँ बाप कर रहे हैं, माँ या बाप कर रहे हैं अपने बेटे की तरफ से या बेटी की तरफ से, तो इसमें आप क्या एहतियात रख सकते हैं? तो इसका सही तरीका ये है दोस्तों कि बेटा जो है, सपोज हम मान के चल रहे हैं कि बेटे के नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी है और वो आपके नाम पे सेल डीड कर रहा है, तो जो आप पेमेंट करेंगे, जो पैसा आप प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए देंगे, सेल कंसिडरेशन देंगे, जो चेक से या ड्राफ्ट से या फिर सीधा अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, वो आप प्रॉपर्टी ओनर के नाम पे ट्रांसफ़र करें। यानी कि भले ही माँ बाप की प्रॉपर्टी बेटा बेच रहा है, बेटे के नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी है, लेकिन जो सेल कंसिडरेशन का पैसा है, जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा दिया जा रहा है, वो उन माँ बाप के अकाउंट में डायरेक्टली दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि क्योंकि पैसा डायरेक्टली प्रॉपर्टी ओनर के पास जा रहा है, प्रॉपर्टी ओनर के अकाउंट में जा रहा है, तो प्रॉपर्टी ओनर इस खरीद फरोख्त को, इस सेल परचेज को कभी भी डिस्प्यूट नहीं कर पाएंगे, और किया भी तो ऐसे में आपका पैसा सेफ है। अगर वो ये भी कह देते हैं कि ये सेल सही नहीं है या हमने अलाउ नहीं किया था, तो इन दैट केस वो आपका पैसा एटलीस्ट वापस करेंगे, क्योंकि आपने ये पैसा प्रॉपर्टी ओनर को दिया था, उनके एजेंट को नहीं दिया था। तो ये एक सेफ तरीका है प्रॉपर्टी ओनरशिप लेने के लिए। सेम चीज़ आप बिल्डर केस में कर सकते हैं कि जहाँ पे बिल्डर प्रॉपर्टी ओनर के तरफ से उसका पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होने की हैसियत से आपके नाम पे सेल डीड कर रहा है प्रॉपर्टी में, फ्लोर की या पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी की, तो ऐसे में आप या तो पैसा जो है वो प्रॉपर्टी ओनर के अकाउंट में दें, या फिर दूसरा तरीका है कि कई बार बिल्डर कहता है कि बनाने में मैंने पैसा लगाया और पैसा तो मुझे चाहिए, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी ओनर जो है, यानी कि जो प्रॉपर्टी का असली मालिक है, वो सेलर की हैसियत से आपकी सेल डीड में अपीयर होगा, आएगा। बिल्डर जो है सेलर के साथ में ही बिल्डर का भी नाम लिखा जाएगा एज कन्फर्मिंग पार्टी, यानी कि बिल्डर का नाम लिख करके उसके बगल में ब्रैकेट में लिखा जाएगा कन्फर्मिंग पार्टी इन फेवर ऑफ, और फिर परचेजर का नाम आएगा। तो ऐसे में क्या होगा, आप पैसा ओनर को भी दे सकते हैं और कन्फर्मिंग पार्टी यानी कि बिल्डर को भी दे सकते हैं, और क्योंकि बिल्डर और प्रॉपर्टी ओनर, प्रॉपर्टी का मालिक, दोनों ही सेल डीड में पार्टी बने हैं सेलर, तो दोनों में से कोई भी आपकी सेल को कभी भी डिस्प्यूट नहीं कर पाएगा, कभी भी ये नहीं कह पाएगा कि ये जो सेल डीड थी मेरी रजामंदी से नहीं हुई, क्योंकि इसमें बिल्डर के भी साइन होंगे और प्रॉपर्टी के मालिक के भी साइन होंगे आपकी सेल डीड में, तो इसमें किसी भी तरह का डिस्प्यूट आने का कोई चांस नहीं बचता है। तो दोस्तों, ये तरीके हैं सेफगार्ड करने के अपने राइट्स को, अपने इंटरेस्ट को, कि पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू भी अगर आपकी सेल डीड हो रही है तो आप किस तरह से सेफ हो सकते हैं। तो पिछले मालिक को आप आइदर पैसा दें जो एक्चुअल मालिक है उस प्रॉपर्टी का जिसके नाम पे सेल डीड है,
या फिर आप एक्चुअल मालिक को कंफर्मिंग पार्टी बना करके अपनी सेल लीड में लाएं, ताकि वो कभी भी आपकी सेल को डिस्प्यूट ना कर सके, और इस तरह से आपकी सेल ट्रांजैक्शन जो है सेफ हो जाएगी और आप सेफ हो जाएंगे आने वाले समय के लिए। तो ये था इस क्वेश्चन का जवाब। कोई और आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।